मॉर्निंग मैम, एक कपल्स है जिसमें हस्बैंड की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, वाइफ की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, बट वाइफ को स्पॉटिंग होती रहती है, तो क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है? आपने पूछा कि उस लेडी को पीरियड्स बहुत कम होते हैं, खाली स्पॉटिंग होती है। हाँ, अगर पेशेंट में कपल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि आपने बताया हस्बैंड एकदम ठीक है, लेडी को केवल स्पॉटिंग हो रही है, पर उसको हर मंथ हो रही है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसको बेबी नहीं हो पाएगा। हम उसका पूरा अल्ट्रासाउंड करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। कम स्पॉटिंग या कम ब्लीडिंग होना ये साइन नहीं है कि आपको कंसीव नहीं होगा। अगर आपको कम ब्लीडिंग हो रही है तो भी आप आराम से, अगर आपकी AMS सही है, ओवरी में एग सही है, तो हम बाहर निकाल के और उनको IVF के द्वारा हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज करके आराम से आपको कंसीव करा सकते हैं। मैम, एक कपल है जिनकी शादी को 3 साल हो गए हैं, रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है बट वो रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं? जैसा कि अभी आपने मेरे से पूछा कि 3 साल शादी को हो गए हैं, हस्बैंड का भी सब कुछ सही है, वाइफ का भी सब कुछ सही है, पर उनमें 3 साल के बाद भी रिलेशन वो बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं और वो बेबी चाहते हैं, तो इसके लिए वो आराम से हम उनका IUI के द्वारा भी या IVF के द्वारा बेबी कर सकते हैं। इसमें बस उनको ओवुलेशन इंडक्शन की ड्रग्स देके लेडी का एग बनाना पड़ेगा और हस्बैंड सीमन सैंपल हस्बैंड का लेके उसको हम लेबोरेटरी में सेंट्रीफ्यूज करके उसको वॉश करके उसके यूट्रस में डाल के हम उसको कंसीव करा सकते हैं। इस प्रोसेस को IOE कहते हैं और कई बार अगर इससे नहीं होता तो हम IVF के द्वारा भी उनको कंसीव करा सकते हैं। इसमें अगर वो रिलेशन नहीं बना रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो IUI या IVF के द्वारा इजीली कंसीव कर सकते हैं। मैम, एक कपल है जिनका स्पर्म काउंट तो बिल्कुल नॉर्मल है बट मोर्टेलिटी नहीं है, तो इस केस में क्या वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं? जैसा अभी आपने पूछा कि वाइफ का सब कुछ ठीक है, एग भी अच्छे बन रहे हैं, ट्यूब भी ओपन है, यूट्रस भी ठीक है, पर जो हस्बैंड का काउंट भी सही है पर मोर्टिलिटी यानी कि स्पर्म के आगे बढ़ने की क्षमता बिल्कुल नहीं है, वो मोटाइल बिल्कुल नहीं है, तो इस केस में भी IVF के द्वारा, IVF तो नहीं, हम ICSI कहते हैं, वो IVF से थोड़ा ऊपर होता है, उसमें एक एक स्पर्म को, उसमें स्पर्म की मोटिलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम एक एक स्पर्म को निडिल के द्वारा पकड़ के एग में डालते हैं, तो इस प्रोसीजर को ICSI कहते हैं। इसके द्वारा उनका फर्टिलाइजेशन संभव है और एम्ब्रियो ब्लास्ट बनना संभव है और इसके बाद हम उसको यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं, तो ICSI के द्वारा उनका संतान हो सकता है। मैम, एक कपल है जिनका 3 missed abortion है, तो वो क्या प्रेग्नेंट हो सकते हैं? अभी जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि उसके 3 miscarriage हो चुके हैं और वो नेचुरल कंसीव कर लेती है पर उसका अबॉर्शन हो जाता है, तो इसके लिए हमें उसके पूरे टेस्ट करने पड़ेंगे, क्या कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, या उसको थायराइड तो नहीं है, या ब्लड शुगर तो हाई नहीं हो रही, या यूट्रस में कोई सेप्टम तो नहीं है जिसकी वजह से मिसकैरेज हो रहा है, तो उस कपल को वो कंसीव तो कर लेगी और मिसकैरेज से क्या ब्लड फ्लो तो नहीं है, तो उसको हमें पूरा इन्वेस्टिगेट करके ही हम उसको ना उसको आगे का प्रोसीजर बता पाएंगे, क्योंकि मिसकैरेज के बहुत सारे कारण होते हैं, ओवरी के, जेनेटिक एग के, कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, या यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, या स्पर्म में कोई कमी तो नहीं है, उन सबको रूल आउट करके ही हम उसका आगे ट्रीटमेंट कर पाएंगे और उसको कंसीव कर पाएंगे।